गाइस जो ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही है ये पाकिस्तान की है और ये इंडिया की है, ये भी इंडिया की है। ये रिवर जा रहा है पाकिस्तान में ये वाला सारा पानी। तो गाइस वो स्कूल देखने जा रहे हैं जिसकी ख्वाहिश है। काफ़ी देर हो गई चलते चलते, अभी तक स्कूल नहीं आया है। बाइक नीचे खड़ी कर दी है, यहाँ पैदल ही आया जाता है। नेचुरल वाटर चला हुआ है। ये पाकिस्तान वालों ने बनाए थे घर, अब यहाँ कोई नहीं रहता है, ताला लगा हुआ है। अब ये इंडिया के कब्जे में है। अरे भाई मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे। ओ भाई ये तो ये तो अंधेरा है यहाँ पे। डर लग रहा है यार। तो ये पाकिस्तान वालों ने बनाए थे। ये बंकर है जो पाकिस्तान वालों ने बनाए हुए हैं। घर है, घर है ऐसे घर। ये मस्जिद है। अच्छा हाँ ये लकड़ी के है, पुराने जमाने। अब ये पत्थर, अब ये जो नए बन रहे हैं पत्थर के आधे मानसू। तो गाइस पता नहीं अभी कहाँ कहाँ से घूम रहे हैं हम, हमें ही नहीं पता, पर मज़ा आ रहा है जो भी है देखने में। बंदा एक से एक चीज दिखा रहा है हमें। तो गाइस ये है कब्रिस्तान इधर का। यहाँ मिट्टी नहीं होती ना तो इसके नीचे दफन कर देते हैं। ये पहले की ही है, इन कब्र में पाकिस्तान वाले बंदे हैं, है ना। देखो कितनी सारी कब्र है और वो दिख रही है बंकर, वो उधर वो पाकिस्तान वालों ने बनाया हुआ है। गाइस एक बंकर तो वो है, दूसरा ये वाला है और एक तीसरा एक इधर और था। ये पाकिस्तान वालों के बंकर थे लेकिन अब भारत के अंडर है, अब तो भारत वालों ने खाली करवा दिए थे। अब तो सामने है बस पाकिस्तान के, वो सुनो दिख रही है वो पाकिस्तान का पार्ट है, उससे पहले भारत ही है। चार उठ जाएंगे। क्या नेचुरल जगह है। तो गाइस ये है स्कूल, वो जो पहले पाकिस्तान के अंडर था और पाकिस्तान चलाता था। ये देखो ये अब हमारे वालों ने लिखा हुआ है। ये पहले पाकिस्तान वाले चलाते थे इस स्कूल को। बहुत छोटे छोटे रूम है ना। प्रिंसिपल का रूम नीचे, वो भी है। हाँ, वो भी मतलब प्रिंसिपल पूरा रोप काट दोगा। ओ भाई ये छोटा सा, ये देखो अब तो खंडर सा पड़ा हुआ है, कोई नहीं चलाता मुझे लगे से, बंद पड़ा है अब तो। इस पहाड़ी के, पूरी पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है पूरा का पूरा। अभी यहाँ तक पहुँच गए हम। ये देखो ये तो इंडिया की पहाड़ी है, ये भी इंडिया की है लेकिन इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान की है। अब यहाँ से घूम के हम वापस जाएंगे। ओए होए होए। तो गाइस ये जगह पड़ती है तुरतुक से भी 5 किलोमीटर आगे। कुछ बंदे तुरतुक तक आते ही नहीं है, वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसमें बताओ यार क्या है, क्या है नहर का नाम। नहर का नाम शेव ग्रीवर। शेव ग्रीवर और लास्ट गाँव का क्या नाम है उसका। लास्ट गाँव का है? वो उसका नाम पिथंग। पिथंग हाँ, इससे भी आगे है। इसका मुकुरथंग। अच्छा इसका मुकुरथंग, उसका पिखरथंग और एक और है, इससे भी आगे है कोई गांव। पिथंग का पार्किंग उधर दिखा। वो गाड़ी खड़ी है, गांव वालों को जाने देते हैं बस। हाँ। ऐसे टूरिस्ट नहीं जा सकते वहां पर, गांव वाले जा सकते हैं। गाइस ये है बॉर्डर व्यू कैफे, यहाँ पे आके आप खाना खा सकते हैं। कैफे है इधर, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर बॉर्डर पे बैठ के हम कोक पीने वाले हैं। पी गर्मी बहुत हो है ना इस वजह से। ये रख दे वो तेरे वाला चिल्ड है यार। तो गाइस अभी वापस चलते हैं अपने बाइक पर और निकलते हैं यहाँ से, बॉर्डर से देख लिया हमने बॉर्डर, अब चलते हैं बाइक पे और मिलते हैं बाइक पे। तो गाइस फाइनली चलते हैं वापस
बॉर्डर से, इंडो पाक बॉर्डर से हम वापस चलते हैं अभी। तो गाइस ये रेतीली जगह है, रेत बहुत है यहाँ पे। तो देखो वो बाइक धस गया वहाँ पे रेत में। ये देखो रेत है, ये रेत, इसमें बाइक धस गई है। तो ऐसी जगह पे बाइक को स्लो करो बिल्कुल, ऐसी जगह पे बाइक को बिल्कुल स्लो कर लिया कर, मुझे भी धसवाओगे कि मैं भगाओ आ रहा। नहीं एक तो बिल्कुल पीछे मत रहे, थोड़ा डिस्टेंस बना के। देखो गाइस तो ऐसी जगह पे बिल्कुल स्लो चलो, ये रेत है, रेत में ऐसे डिसबैलेंस ऐसे सांप बन जाती है, लहर जाती है पूरी। गाइस तो अभी पहुंच चुके हैं हम डिस्किट और यहाँ पर गेस्ट हाउस में, देखते हैं प्राइस पूछते हैं, रूम वगैरह देखते हैं कैसा है। हमें तो सुबह निकलना है अभी जल्दी। बाइक वगैरह अंदर का, बाइक कर दो, हाँ हाँ सामान रख देते हैं। आरटीपीसीआर है ना आप लोगों के पास? हाँ जी है भाई, आरटीपीसीआर के बिना तो मतलब ले में एंट्री हो ही नहीं रही है। तो अभी तो सामान रख देते हैं, बाइक तो भारी रहेगी। तो गाइस फाइनली हम डिस्किट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रूम लिया है, रूम है हमारा ये, और ये रूम है, ये हमारा लगेज सारा ऐसे पड़ा हुआ है, पड़ा नहीं रखा हुआ है मतलब इतना सारा है कि ये पड़ा हुआ ही दिखता है, वो उधर भी रखा हुआ है। तो ये रूम का प्राइस है इसका 1000 रुपीज। और देखो वॉशरूम भी पूरा क्लीन है एक नंबर का, ये देखो पूरा क्लीन वॉशरूम है। अभी चलते हैं मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री दिखाऊंगा आपको, और बुद्ध की टेम्पल है, वो बुद्ध की जो स्टैचू है वो भी दिखाऊंगा, बहुत बड़ा है वो। तो गाइस तो ये है बुद्ध की टेम्पल, ये बहुत बड़ी जो स्टैचू है, बहुत बड़ा है स्टैचू ये देखो। अभी इसका फ्रंट से भी दिखाएंगे, और ये देखो इधर से व्यू भी। तो गाइस अभी कुछ खाना वाना खाते हैं और चलते हैं फिर, रूम लिया हुआ है, रूम पे चलेंगे काम करेंगे। और इधर स्प्लेंडर अपनी खड़ी है बुलेट बाइक की, व्यू यहाँ से भी गजब है एक नंबर। ये देखो पहाड़ ही पहाड़ हैं, ये खड़े स्प्लेंडर। फ्यूल कैन मैंने ऐसे बांध रखी है यार, बार बार खोलनी पड़ती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी निकलते हैं रूम पर, खाना खाएँगे और रूम पर चलेंगे बस।